First of all, why do we say that we have a low productivity in India? See, for rice, if I say, which is one of the dominant crop of India, we produce around 2,400 to 2,000. कैसे हैं आप सब? वीकली करेंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल अग्रवाल इस इकरा आईएएस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ओके, सो वाटर कंजर्वेशन को लेके बहुत सारे अलग अलग कैंपेन भारत में भी चल रहे हैं। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन, दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहला, द कैंपेन विल बी अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, बेसिकली पूरे देश में, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, ये कैंपेन हर जगह चलाया जाएगा। ठीक है, रिसेंटली जो नेशनल वाटर मिशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उन्होंने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ कोलैबोरेट करके कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, इसकी टैगलाइन थी कि जहां पे भी बारिश का पानी गिरे वहां पे उसको कैच कर लो। जब भी बारिश का पानी गिरे, जहां भी गिरे उसे कैच कर लो। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, और इस कैंपेन का मेन मकसद ये था ताकि लोगों को इंगेज किया जा सके, लोगों को भी अवेयर किया जा सके कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर कंजर्व करना और कितनी ज्यादा जरूरत होने वाली है हमें आने वाले समय में वाटर की, कितनी ज्यादा किल्लत होने वाली है। ठीक है, सो हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द इशू ऑफ वाटर कंजर्वेशन। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन द प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून पीरियड इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा, पोस्ट मॉनसून वर्ड यहां पे गलत होगा, बिकॉज जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ये जो है प्री मॉनसून और मॉनसून पीरियड। ठीक है, इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 22nd मार्च टू 30th ऑफ नवंबर। सो प्री मॉनसून एंड मॉनसून, पोस्ट मॉनसून गलत होगा। ठीक है, इट विल बी लॉन्च्ड एज अ जन आंदोलन टू टेक वाटर कंजर्वेशन एट ग्रास रूट लेवल थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। इट इज इंटेंडेड टू नज ऑल स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स सुइटेबल टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सब सॉइल स्ट्रेटा टू इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स यहां पे आपके सामने हैं विद रेस्पेक्ट टू स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। इट एम्स टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। एडमिशंस आर मेरिट बेस्ड एंड ओनली आईआईटीज एंड आईआईएम्स आर पार्टनर्ड अंडर द प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट इनटेक। तो दोस्तों, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का मेन मकसद है कि भारत को एक ऐसा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना एजुकेशन के लिए, जिससे कि दुनिया से, अलग अलग देशों से लोग भारत पढ़ने आए। जिस तरीके से इंडिया के लोग जाते हैं ना अमेरिका, लंदन और भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, उसी तरीके से इंडिया की इंस्टीट्यूट्स भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, इंडिया भी अपने आप को ऐसा डेस्टिनेशन दिखाए जहाँ पे लोग आके पढ़ना चाहें। ठीक है, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। द मेन एम इज टू बूस्ट द नंबर ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को अप्रूव किया था, और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो मार्केट शेयर है ग्लोबल एजुकेशन एक्सपोर्ट का, हम उसको भी इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, अभी 1% से भी लेस है, हम उसको 2% करना चाहते हैं एटलीस्ट, और हम इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं इन द एजुकेशनल डेस्टिनेशन थिंग। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। एडमिशंस आर मेरिट बेस्ड एंड ओनली आईआईटीज एंड आईआईएम्स आर पार्टनर्ड अंडर द प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट इनटेक। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आईआईटीज और आईआईएम्स जो हैं, ओनली दे आर पार्टनर्ड अंडर द प्रोग्राम। नो, दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ओके, इट केटर्स टू NIRF टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स इन एनी कैटेगरी एक्सेप्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स अलॉन्ग विद द NAAC एक्रेडिशन ऑफ 3.26 और अबव एंड दोज विच हैव बीन इंपैनल्ड बाय UGC बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट। ऑल इंस्टीट्यूट्स फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया पार्टनर विद स्टडी इन इंडिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ IITs और IIMs, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एडमिशन आर मेरिट बेस्ड एंड इट इज डन थ्रू अ कॉमन पोर्टल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। The UN General Assembly proclaimed the 2018-2028 as the International Decade for Action Water for Sustainable Development. The theme of World Water Day 2021 is Valuing Water.
तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर हम वर्ल्ड वाटर डे की बात करें तो 2021 का जो थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर, और ये थीम हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डज वाटर मीन टू अस, ठीक है, वाटर की क्या वैल्यू है हमारे लिए, बिकॉज वैल्यू ऑफ वाटर इज वेरी प्रोफाउंड, वैल्यू ऑफ वाटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आप इसका आंसर एक लाइन में नहीं दे सकते कि ये वैल्यू है, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड, दिस इज समथिंग दैट कैन बी फेल्ट, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की, दैट यूएन जनरल असेंबली ने 2018 से 28 का जो 10 साल का डिकेड है उसको वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह कहीं ना कहीं प्रोक्लेम किया है, अगेन ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि एक्सेस टू वाटर इज अ प्री कंडीशन टू लाइफ, बिना पानी के जीवन चल ही नहीं सकता, और पानी का मौजूद होना, हर व्यक्ति को पानी मिलना, ये एक ह्यूमन राइट है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट दोज एफर्ट्स टुवर्ड्स मीटिंग वाटर रिलेटेड चैलेंजेस, यूएन जनरल असेंबली ने 2018 से 2028 के डिकेड को एज अ इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर किया है, ठीक है, और ये शुरू हो चुका है 22 मार्च 2018 से और ये एंड होगा 22 मार्च 2028 को, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग हैशटैग्स भी चल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैशटैग एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर एक बूंद इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल भी पानी को वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी। ओके, सो वर्ल्ड वाटर डे इट इज हेल्ड ऑन 22nd मार्च एवरी ईयर 1993 से, इट फोकसेस ऑन द इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि कब से हम वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं, क्या रीजन होता है एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, दो स्टेटमेंट्स हैं। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62 और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65, ठीक है। तो 65 साल की एज तक ही सुप्रीम कोर्ट का जज जज रह सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ जजेस, कितने जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में ये तय करने का काम पार्लियामेंट करती है, बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ओके, सो आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। दैट मीन्स पार्लियामेंट के पास बाय लॉ प्रिस्क्राइब करने का पावर है, पार्लियामेंट लॉ बना के ये डिक्लेयर कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि भाई हाँ इतने जज होंगे, पार्लियामेंट चाहे तो नंबर ऑफ जजेस की संख्या इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। लास्ट ईयर पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल पास किया था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 30 to 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल फिल्म अवार्ड्स, दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। गुजरात हैज वॉन द अवार्ड फॉर बींग मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन नेशनल फिल्म अवार्ड 2019। तो अभी आपने सुना होगा 67th नेशनल फिल्म अवार्ड घोषित किए गए थे, ठीक है, कंगना रनौत और उसके अलावा मनोज वाजपेयी, धनुष, ओके, इन एक्टर्स को अवार्ड मिले, तो आपने जरूर इसके बारे में भी सुना होगा। सो बेसिकली उसी से रिलेटेड ये सवाल यहाँ पे मैंने पूछा है। पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से करेक्ट है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स DFF यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, बिकॉज ये जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड है ये गुजरात ने नहीं जीता है, ये जीता किसने है, ये जीता है सिक्किम ने, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओनली वन, दैट इज ए। सिक्किम हैज बैग्ड द अवार्ड फॉर बीइंग मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। सो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं NFA, पहली बार कब दिए गए थे, 1954 में, ठीक है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, सो इंडस वाटर ट्रीटी, अगेन ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और अभी जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनाव हो गया था लगभग एक दो साल पहले की बात है, तो फिर ये भी खबर आने लगी थी कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी
में जो भी पानी पाकिस्तान को दिया जाता है वो रोक दिया जाए एंड ऑल, ये सारी चीजें बहुत कुछ चर्चा में चलती हैं। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, इट वाज साइंड आफ्टर द शिमला अग्रीमेंट ऑन बाइलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1972। अंडर द ट्रीटी द वाटर्स ऑफ सतलुज, रावी एंड व्यास वर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर यूज। तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तीन नदी, इनका पानी भारत को जाएगा और बाकी तीन नदी यानी कि इंडस, झेलम और छेनाब, ये एलोकेट किया गया है पाकिस्तान को। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये ट्रीटी 1960 में साइन हो गई थी, 1960 में, 1972 में नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स हियर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी। सो इट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन सेप्टेंबर 1960 इन कराची। किसके बीच में साइन हुआ? भारत के प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस। द मिनिस्टर्स कैन कंबाइन देयर ऑफिशियल विजिट विद इलेक्शनरिंग वर्क। देयर इज अ बैन ऑन द ट्रांसफर ऑफ ऑल ऑफिशियल्स कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम हिंदी में आचार संहिता भी कहते हैं, जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी ऑलरेडी सरकार है, वो अनफेयर तरीके से फायदा ना उठा सके, क्योंकि जिसकी सरकार नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकती, जिसकी सरकार है वो बहुत कुछ कर सकती है। तो जिस पार्टी की सरकार है उसको कहीं ना कहीं नई स्कीम्स अनाउंस करने से रोका जाता है, बहुत सारी चीजें करने से रोका जाता है ताकि वो जनता को गुमराह ना कर सके। और इस वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, किसी को भी अनफेयर एडवांटेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये होता है कि जितने भी ऑफिशियल्स इलेक्शन के कंडक्ट के साथ कनेक्टेड हैं, उनका ट्रांसफर बिना इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मिनिस्टर्स अपनी ऑफिशियल विजिट को इलेक्शनरिंग वर्क के साथ कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज फॉल्स, नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, ऑफिशियल विजिट अलग होगी, इलेक्शनरिंग वर्क अलग होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। The Model Code of Conduct states that the ministers shall not combine their official visit with electioneering work and shall not also make use of official machinery or personnel during the electioneering work. No transport, including official aircrafts, vehicles, shall be used for furtherance of the interest of any party or candidate. Question number 8, consider the following regarding the proposed scheme of Poshan Abhiyan for the elderly. It aims to provide nutrition support to the indigent elders who are staying in the old age homes and are victims of severe malnutrition. The Gram Panchayats and urban municipalities are the implementing agencies of the scheme. तो अगर मैं बात करूं पोषण अभियान फॉर द एल्डरली स्कीम की, तो ग्राम पंचायत और अर्बन म्यूनिसिपैलिटी ये इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा, क्योंकि ये जो अभियान है ये न्यूट्रिशन सपोर्ट उन एल्डर्स को प्रोवाइड करेगा जो कि ओल्ड एज होम में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जो ओल्ड एज होम में हैं उनका तो वहां पे ध्यान रखा जा रहा है ना, तो ये आपको समझना होगा। करेक्ट आंसर इज बी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स बाय द ईयर 2036, पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वुड बी 22.74 करोड़, यानी कि 14.9%। Okay, the Ministry of Social Justice and Empowerment aims to launch a Poshan Abhiyan to provide nutrition support to the indigent elders, जो कि old age home में नहीं रह रहे। Fine? चलिए। Question number 9. Which of the following statement is or are correct regarding the electoral bond scheme? The electoral bonds can only be purchased by a person who is a citizen of India or incorporated or established in India. ये बिल्कुल correct है। There are no Know your customer norms for purchase of electoral bonds. तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि electoral bonds purchase करने के लिए KYC norms नहीं लगेंगे। बिल्कुल सारे जो भी KYC norms हैं वो applicable होंगे। Fine. So correct answer होगा इस question का only one, that is A. So it may be purchased by anyone who is a Indian citizen or incorporated or established in India. The definition of person includes individual, Hindu undivided family, company, an association of person, body of individual, etc. Question number 10, those statements hain. Digital Sky is a Ministry of Civil Aviation initiative for enabling flights permission digitally and managing unmanned aircraft operations and traffic efficiently.
No permission, no takeoff is a software program that enables unmanned aircrafts to obtain a valid permission through Digital Sky platform before operating in India. So, दोस्तों अगर हम डिजिटल स्काई की बात करें, नो परमिशन नो टेक ऑफ की बात करें, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट है. इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनिशिएटिव, अ हाईली सिक्योर एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म विच सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क सच एज नो परमिशन नो टेक ऑफ यानी कि NPNT, डिजाइंड फॉर इनेबलिंग फ्लाइट परमिशन डिजिटली एंड मैनेजिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस एंड ट्रैफिक एफिशिएंटली. इज दैट क्लियर? So, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव बीन अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज. तो आपको ये बताना है कि इनमें से गांधी पीस प्राइज किन्हें अभी तक दिया गया है. आपके सामने ऑप्शंस है मोहम्मद बिन सलमान, शेख मुजीबुर रहमान, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद. ठीक है. सो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से वो फेमस हैं, और ओमान के लेट सुल्तान जिनकी डेथ भी हो गई थी, बहुत पुरानी बात नहीं है. तो ओमान के सुल्तान सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को और शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी, दैट इज 2 and 3. ठीक है. ये गांधी पीस प्राइस जो है 1995 में भारत सरकार ने शुरू किया था और ये एक एनुअल अवार्ड है, एक साल में एक बार ये दिया जाता है. महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए गांधी पीस प्राइस की शुरुआत की थी भारत सरकार ने 1995 में. ठीक है. इसमें 1 करोड़ रुपीज का अमाउंट मिलता है, साइटेशन दिया जाता है और एक प्लेक दिया जाता है. उसके अलावा एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या फिर हैंडलूम आइटम भी दिया जाता है अवार्डी को. इट इज ओपन टू ऑल पर्सन्स, चाहे वो भारत का हो या ना हो, कोई भी नेशनैलिटी का व्यक्ति गांधी पीस प्राइज के लिए क्या है, एलिजिबल है. ठीक है. कोई भी क्रीड, कोई भी रेस, कोई भी सेक्स, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होता. और साथ ही साथ यहां पे आपको मैं ये भी बता दूं कि सेलेक्ट कौन करता है. सेलेक्ट करने के लिए एक कमिटी बनती है, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, उसके अलावा लोकसभा स्पीकर होते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. तो शेख मुजीबुर रहमान के बारे में ज़रूर पढ़ें, उसके अलावा सुल्तान काबूस बिन सैद के बारे में भी आप ज़रूर पढ़ें. सो करेक्ट आंसर इज बी. वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. UNDP, WHO, जर्मन वॉच. नन. करेक्ट आंसर नन होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसकी फ्लैगशिप रिपोर्ट है. इट इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ जर्मन, इट इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को. ठीक है. सो यूनेस्को पब्लिश करता है ऑन बिहाफ ऑफ UN वाटर एंड इट्स प्रोडक्शन इज कोऑर्डिनेटेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. ठीक है. सो द 2021 एडिशन ऑफ द UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका टाइटल था वैल्यूइंग वाटर, जो मैंने अभी आपको थीम बताई, वो रिसेंटली रिलीज की गई है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, द पाकल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. चेनाब, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, मरुसुदार. ओके. सो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस पाकल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट इज अ रिजर्वॉयर बेस्ड स्कीम. इट इज प्रपोज्ड ऑन रिवर मरुसुदार. ओके. और ये जो मरुसुदार रिवर है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर. ठीक है. सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी. Consider the following statements regarding the NISAR mission. It is a joint collaboration mission between NASA and ISRO. It is designed to observe and take measurements of Earth's most complex processes like ecosystem disturbances, ice sheet collapse and natural hazards. Dono statements yahan pe puri tarike se correct hain guys regarding the NISAR mission. NASA aur ISRO ka ye ek joint collaboration hai and it will be measuring Earth's changing ecosystem dynamic surfaces and ice masses, providing information about biomass, natural hazards, sea level rise, groundwater, etc. और ये लॉन्च होगा 2022 में फ्रॉम श्रीहरिकोटा. क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG. द वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स लिक्विड स्टेट इज लेस देन हाफ इट्स वॉल्यूम इन इट्स गैशियस स्टेट. बिल्कुल करेक्ट है. 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट इज अलाउड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ LNG इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा इसका सी. ओके. लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज अ नेचुरल गैस दैट हैज बीन कूल्ड टू अ लिक्विड स्टेट एट अबाउट -260 degrees Fahrenheit फॉर शिपिंग एंड स्टोरेज. और इसका जो वॉल्यूम होता है लिक्विड स्टेट में, वो 600 times smaller होता है एज कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम इन द गैशियस स्टेट.
दिस प्रोसेस मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस टू प्लेसेस पाइपलाइंस डोंट रीच. एंड व्हेन एलएनजी रीचेस इट्स डेस्टिनेशन इट इज टर्न्ड बैक इनटू अ गैस एट रीगैसिफिकेशन प्लांट्स. ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है. क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस टू द हाई कोर्ट टू लुक आफ्टर एनी टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ अ हाई कोर्ट. बिल्कुल करेक्ट है, जब भी हाई कोर्ट में काम बढ़ जाता है, टेम्पररी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जाता है. अ रिटायर्ड जज अपॉइंटेड एज एडहॉक जज हैज ऑल ज्यूरिसडिक्शन पावर्स प्रिविलेजेस एंड इज डीम्ड टू बी अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट. देखो, अगर किसी रिटायर्ड जज को एडहॉक जज अपॉइंट किया गया है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसके पास सारी ज्यूरिसडिक्शन पावर्स प्रिविलेजेस होती हैं, बट वो जज हाई कोर्ट का जज डीम्ड नहीं कहलाया जाता. ये ध्यान रखना, करेक्ट आंसर होगा ओनली वन. ठीक है, सो आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इफ बाय रीजन ऑफ एनी टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ अ हाई कोर्ट और बाय रीजन ऑफ एरियाज ऑफ वर्क देयर इन इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द नंबर ऑफ जजेस शुड बी फॉर द टाइम बीइंग इंक्रीज्ड द प्रेसिडेंट मे ड्यूली क्वालिफाइड पर्संस टू बी द एडिशनल जजेस ऑफ द कोर्ट फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years एज ही मे स्पेसिफाई. सो प्रेसिडेंट उस समय अगर उनको लगता है कि भाई यहां पे कुछ ज्यादा नंबर ऑफ जजेस की जरूरत है तो वो अपॉइंट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन. इट वर्क्स बाय ट्रांसमिटिंग मिलियंस ऑफ पोलराइज्ड फोटोन्स ओवर अ फाइबर ऑप्टिक केबल. इट रिलाइज ऑन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स फॉर सिक्योर इंक्रिप्शन ऑफ ट्रांसमिटेड डेटा. तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पे पूरी तरीके से करेक्ट है. व्हेन इट कम्स टू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इट वर्क्स बाय ट्रांसमिटिंग मिलियंस ऑफ पोलराइज्ड फोटोन्स ओवर अ फाइबर ऑप्टिक केबल, बट सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा. ठीक है, QKD टेक्नोलॉजी underpins क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इंश्योर्स अनकंडीशनल डेटा सिक्योरिटी बाय वर्च्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच इज नॉट पॉसिबल विद द कन्वेंशनल इंक्रिप्शन सिस्टम्स. एंड द कन्वेंशनल क्रिप्टो सिस्टम्स यूज फॉर डेटा इंक्रिप्शन रिलाय ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, जबकि QKD का जो सिस्टम होता है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ फिजिक्स. सो दैट्स द रीजन सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा. क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द स्वीज कैनाल. इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन एंड रेड सी. इट डिवाइड्स इजिप्ट फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुला. इट हैज नेवर बीन क्लोज्ड सिंस इट वाज बिल्ट. तो अभी आपने देखा होगा स्विस कैनाल में एक बहुत बड़ा सा शिप जो था वो फंसा हुआ था. ओके, तो आपको याद होना चाहिए. यहाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मेडिटेरेनियन और रेड सी को ये कनेक्ट करता है, इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला से ये डिवाइड करता है. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आप एटलस ओपन करो और स्विस कैनाल के आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो. रही बात थर्ड स्टेटमेंट की कि जब से ये बना है अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट गलत होगा. ओके, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2. फाइन, सो गाइज, द कैनल वॉज क्लोज फ्यू टाइम्स. द लास्ट टाइम वॉज द मोस्ट सीरियस वन व्हेन इजिप्ट क्लोज डाउन द कैनल विच ट्रैप्ड 15 इंटरनेशनल शिप्स इन द कैनल फॉर मोर और लेस देन 8 years. ओके, 1975 में इट वॉज रीओपन फॉर नेविगेशन. क्वेश्चन नंबर 19, रिगार्डिंग तिस्ता रिवर, तीन स्टेटमेंट्स हैं. इट ओरिजिनेट्स इन नेपाल एंड एंटर्स इंडिया थ्रू सिक्किम हिमालयस. रंगीत रिवर इज मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द तिस्ता रिवर. तिस्ता रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश. सो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र में ये ड्रेन होती है बांग्लादेश में. रंगीत रिवर मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, लेकिन ये नेपाल में ओरिजिनेट होती है. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3. ओके, इट ओरिजिनेट्स एज चोम्बो छू फ्रॉम अ ग्लेशियल लेक खांगचुंग शो एट एन एलिवेशन ऑफ 5,280 मीटर इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ सिक्किम. द ग्लेशियल लेक लाइज एट द स्नाउट ऑफ द तिस्ता खांगसे ग्लेशियर डिसेंडिंग फ्रॉम पाउनुरी पीक इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपके सामने है, पढ़ सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 20, द पोफकल नेट डेटाबेस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. गूगल, टेस्ला, वर्ल्ड बैंक, UNDP. करेक्ट आंसर होगा इसका वर्ल्ड बैंक. ओके, पोफकल नेट इट वॉज डेवलप्ड बाय द स्टाफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप टू अलाउ यूजर्स टू रेप्लीकेट द कैलकुलेशन मेड बाय द वर्ल्ड बैंक रिसर्चर्स. इट ऑल्सो अलाउज यू टू कैलकुलेट द पोवर्टी मेजर्स अंडर डिफरेंट अजम्पशंस एंड टू असेंबल द एस्टिमेट्स यूजिंग अल्टरनेटिव इकोनॉमी और फॉर एनी सेट ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमीज ऑफ द यूजर्स चूजिंग. सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी. तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो होता है समाप्त दोस्तों. धन्यवाद.